और दोस्तों आज है 6 फरवरी 2022 और सुबह के बज रहे हैं 7:58 हुए हैं और मैं शिमला में रुका हुआ हूँ। देख सकते हैं रात भर में सोया था और मैं रेलवे के स्टेशन पर जो रिटायरिंग रूम होते हैं उनमें उनको बुकिंग करके मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पर। और मैं दिखाता हूँ कि यहाँ का माहौल कैसा है आज के दिन 6 फरवरी के दिन। तो अब मैं उठ जाता हूँ, देखिए बच्चा सो रहा है अब हमारा। ओके तो सबसे पहले तो मैं कुछ पहन लेता हूँ, ठंड है बहुत, -3 टेम्परेचर है यहाँ का। और बाहर का माहौल मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। ये देखिए ट्रेन खड़ी है बाहर और शायद दिख रही हो आपको तो बर्फ भी यहाँ पड़ी हुई है। और मैं कुछ पहन लेता हूँ क्योंकि ठंड है बहुत ज्यादा। अबे तू क्यों उठ गई, सो जा। ये है रूम नंबर हमारा 103 और इसी तरीके से यहाँ पर 10 या 11 रूम है और बढ़िया बात है कि उसमें ज्यादातर रूम हम ही लोगों के हैं, हमने ही बुक किए हैं। देखिए 102 नंबर भी है, बंद करके सो रहे हैं ये लोग। और इधर हम थोड़ा और आगे चलेंगे तो आ जाता है हमारा 101 नंबर और ये उन्होंने ही बंद कर रखा है, पता नहीं कब उठाएंगे ये लोग। और चलिए मैं और आगे आपको दिखाता हूँ इनके रूम्स। जो 101 और 102 नंबर के रूम है वो छोटे हैं साइज में, और जबकि 103 जिसमें मैं रुका हूँ और 104 जिसमें भी हम ही लोग रुके हुए हैं वो बड़े हैं साइज में। ये देख सकते हैं ये कितने बड़े हैं रूम। ये मेरा वाला रूम है, बहुत बड़ा है और इसमें ग्रीजर भी लगा हुआ है, पानी गर्म करके आराम से नहाओ यहाँ पर। तो ये सुविधा बहुत बढ़िया है, रेलवे के रूम है। और ये है 104 नंबर, देख सकते हैं ये भी बंद होगा फिलहाल। अरे ये तो खुल रहा है भाई, और ये देख सकते हैं यहाँ पर कैसे सो रहे हैं लोग बाहर और जग गए हैं, लेकिन ठंड के मारे हैं बेचारे, क्या करें, बहुत ठंड के मारे हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही डाउन है। अच्छा सबसे बड़े रूम है इनके और यहाँ से मैं लाइट ऑन कर दे रहा हूँ, ये लाइट ऑन हो चुकी है। अरे इनका बाथरूम छोटा है भाई, 104 का बाथरूम छोटा है और 103 का बहुत बड़ा है, ग्रीजर सब जगह लगा हुआ है, इसलिए बहुत बढ़िया बात है। और फिर चलते हैं आगे और नाओ ना क्यों अबे नहाएंगे यार भैया, नहाएंगे हम तो क्योंकि गर्म पानी है, आराम से गर्म पानी में नहाने में कितना मजा आएगा। ओहो गेट खुला रह गया है, आवाज आ गई मेरे पास गेट बंद करने की, तो मैंने ये गेट बंद कर दिया है। अब मैं चलता हूँ और आगे। और ये देख रहे हैं ना ऊपर जो टीन है इस पे ही बर्फ पड़ी हुई है और जो हमारी छत थी उस पे भी बर्फ पड़ी हुई है। और ये है 105 नंबर, और 105 नंबर हमारा रूम 105 भी शायद हमारा, ये देखते हैं कौन है इसमें। और ये देख सकते हैं ओहो कैसे सो रहे हैं भाई, ये देखिए 105 कितना छोटा रूम है। अरे गोली पड़ी क्या है, सिर दर्द की है कि मेरे पास, अभी लाता हूँ एक मिनट। सबके सिर में दर्द है, सबको जुकाम हो चुका है, ये समझ लो सबकी वाट लगी पड़ी है। क्योंकि जब हम कल आए थे टॉय ट्रेन से हिमालय क्वीन से, तो
आधी दूरी तय करने के बाद हमें बर्फ मिलनी स्टार्ट हो गई थी। देखिए बाहर ट्रेन खड़ी है, माहौल बहुत ही ज्यादा शानदार है, सुंदर बहुत नजारे हैं यहाँ के, इसमें मजा आ रहा है। और ये रूम आप देख सकते हैं छोटा है, और ये इसका बाथरूम देखते हैं, बाथरूम क्या कह रहा है। इसका बाथरूम भी थोड़ा छोटा है लेकिन ग्रीजर, पानी गर्म करके नहाओ आराम से, मजा ही मजा। चलो मैं थोड़ी देर में इनको सर दर्द की गोली देके जाऊंगा क्योंकि वाट लगी पड़ी है। और ये जो ऊपर छत देख रहे हो ना, इसके ऊपर ही बर्फ पड़ी हुई है तो इसलिए बहुत ज्यादा ठंड है। ये क्या खा रहे हो जमाल बोटा, ज्यादा दर्द देगा सर में? ठीक है दो मिनट में लाया, दो नहीं 5 मिनट लगेंगे फिलहाल। तो 105 के बाद ये जो 106 नंबर है ये शायद हमारा नहीं है और बंद भी है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं हम लोग। ये नीचे पता नहीं क्या है, थोड़ी सी गहरी सी खाई तो नहीं है फिलहाल लेकिन थोड़ा गहरा है यहाँ पर। और अब आ जाते हैं हम 107 जे भी हमारा नहीं है और इसमें ताला भी लगा हुआ है। और फिर ये नीचे जाने का रास्ता है, यहाँ से हम नीचे जाते हैं और देखते हैं बाहर क्या हो रहा है लेकिन थोड़ी देर में। और फिर ये एक और रूम आता है, इसको कुछ नंबर नहीं है लिखा हुआ। और एक रूम फिर हमारे पास ये आता है 108 नंबर, ये भी हम लोगों का ही है और ये खुल भी रहा है। और ये देखो मेरे भाई साहब आ चुके हैं, ठंड -3 टेम्परेचर है, जाना है भाई बंद है, बंद है अभी, चाय पीने चलेंगे ना, चाय क्या जाएंगे, ये अभी चाय पीने जाएंगे ना तो सब पूछ लेंगे क्या कैसे जाना है। सही है। तो ये देखेगा यहाँ पर बाथरूम में ग्रीजर है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। अरे भाई ग्रीजर है यहाँ पर, कोई टेंशन नहीं है, चलो भी चलो बाहर आ जाते हैं। अब तैयारी हो गई? नहीं तो तैयार, अभी मैं वीडियो बना लूँ जरा उसके बाद करूंगा। आवाज ही बैठ चुकी है लगभग लगभग सभी लोगों की। और ये देखिएगा यहाँ पे बर्फ देख सकते हैं आप, ये देखिए बर्फ देख सकते हैं ना, देख सकते हैं। तो बर्फ हर जगह पड़ी हुई है और हम आ चुके हैं 109 में जो कि बंद है, अभी तक नहीं उठे ये लोग भी सो गए क्योंकि ठंडी इतनी है यार, क्या करें कैसे उठें सो के। फिर हम आ जाते हैं 110 नंबर में, क्या ये उठ चुके हैं? अरे वाह भी वाह ये तो उठ चुके हैं। और ये देखिएगा टन टन ये सो रहे हैं दवा के, अच्छा बाथरूम में ही पहुंच गए। आइए हम आपको दिखाते हैं बाथरूम के नजारे, लेकिन चलो फिलहाल इस बाथरूम में ग्रीजर है या नहीं ये देख लेते हैं। ग्रीजर है, ग्रीजर है, ग्रीजर है, ये देखिएगा ग्रीजर है। और ठंड के मारे जमीन पे पैर भी नहीं रखा जा रहा है, क्या करें -3 का सामना करते हुए। और ये देखिएगा रात को नींद कैसी आई, अच्छी वाली, अच्छी धूप आगे निकल गया, ये धूप धूप धूप। और मैं दिखा दूं बाहर के नजारे, बाहर बर्फ पड़ी हुई है, बित धूप, बारिश नहीं है, धूप आ गई है, बढ़िया लाइनों पर भी बर्फ ही बर्फ है, रेलवे ट्रैक पर। और ये देखिएगा, और मैंने कर दिया इसे बंद। और अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर के क्या नजारे हैं, गेट बंद कर देते हैं क्योंकि ठंड बहुत है। और मैं कह रहा हूँ भाभी जी रेडी हो जाना, चाय पीने चलना थोड़ी देर में, ठीक है करीब ऐसे आधे घंटे बाद। चलो यार अब चलते हैं बाहर और देखते हैं बाहर के क्या नजारे हैं। फिलहाल ये बर्फ जो आप देख रहे हैं ना, ऐसी वैसी बर्फ नहीं है, ये बिल्कुल रुई वाली बर्फ है भाई, ऐसा नहीं है ठोस बर्फ है, ताजा बर्फ है जो कि अभी गिरी है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर जो है कल हम लोग हिमालय क्वीन से बैठकर इधर आए थे तो लोगों ने बताया है कि परसों और उसके पिछले दिन यहाँ बर्फबारी हुई थी बहुत ज्यादा मात्रा में, तो ये वही बर्फ है जो अभी तक यहाँ पर है। लेकिन हम लोगों के लिए अच्छी बात सबसे ज्यादा ये है कि कल भी धूप निकली थी और आज भी धूप निकली आई है, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है।
देख सकते हैं कितनी ज्यादा धूप आ चुकी है और बर्फ तो यहाँ पर है ही, और ट्रेन यहाँ से निकलने के लिए तैयार है जो कि काल का ही जाएगी क्योंकि और कहीं जाती नहीं है यहाँ से ट्रेन। और अब मैं आ चुका हूँ स्टेशन पर, और यह है मेरा रास्ता जहाँ से हम लोग अपने रूम के लिए जाते हैं, और यहाँ लिखा हुआ भी है विश्रामालय रिटायरिंग रूम, तो यहाँ से हम जा सकते हैं। और बर्फ के मैं आपको नजारे दिखा देता हूँ, सूरज देवता आ चुके हैं, जय हो सूरज देवता की, और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है। और अभी हम थोड़ी देर में चाय पीने जाएंगे तो मैं और दिखाऊंगा आपको कि बाहर का क्या नजारा है, लेकिन इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है ना, रात हम लोग निकले थे रास्तों पर, तो रास्तों पर भी बहुत ही ज्यादा बर्फ थी, तो बस मजा ही आ गया कुछ। और मैं शायद ये व्यू आप देख पाए या नहीं देख सकते हैं, चलिए खैर ये मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखा दूंगा कि जितने भी घर हैं मकान हैं सबके ऊपर छतों पर बर्फ इकट्ठा हुई पड़ी है करीब एक एक फिट की, तो इसलिए बहुत ही सुंदर नजारा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट वगैरह करना है और ट्रैवलर ही बुक करने हैं कुफरी वगैरह के लिए, तो अगली वीडियो मैं दिखाता हूँ आपको कुछ ही समय बाद, तब तक के लिए बाय।